बोला जा रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। अच्छा लास्ट वाले क्वेश्चन में ना जो हमने किया था उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, उसमें बार मत लगाइए, नहीं बार मत लगाइए, कोई बात नहीं, जो सी आया था 0.25 और जो डी आया था 0.2525, बार मत लगाओगे तब भी तो चलेगा, क्यों? क्योंकि बार नहीं लगाए, यहाँ से ऐसा पॉइंट हटाओगे तो 100 नहीं आ जाएगा नीचे, पी बाई क्यू फॉर्म नहीं आ गया, और यहाँ से 100 ऐसा पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10,000 नहीं आ जाएगा, हाँ बना सकते हो आप, ऐसा ही दिखा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 0.101 और b क्या है 0.1001001। पहले ना ध्यान से देखो इनमें से ग्रेटर कौन है उसे सिलेक्ट करो, सबसे पहले ए वाला, कैसे पता चला कि पॉइंट के बाद 1 है, ओके पॉइंट के बाद 1 है, फिर उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है, फिर डेसिमल के 2 प्लेस के बाद यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 0, इसलिए कौन बड़ा है ए, तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन सुनिए जरा क्या है, फाइंड अ रैशनल एंड आल्सो इरैशनल, इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर भी फाइंड करना है और एक इरैशनल नंबर भी फाइंड करना है, ओके। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए बी से बड़ा है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं बोलूंगा बी ए से क्या है छोटा, बात तो सेम है, ए बी से बड़ा है या मैं बोलूं बी ए से छोटा है, ठीक है ओके। अब ना पहले मैंने बी को लिख लिया तो b हो गया मेरा, देखो जरा 0.1001, ओके 0001, ओके 00001 एंड सो ऑन, तो कोई प्रॉब्लम है। अब दोनों के बीच में ध्यान रखिए आपको एक रैशनल नंबर भी फाइंड करना है और एक इरैशनल नंबर भी फाइंड करना है। अब मैंने a की वैल्यू लिख दी, बिकॉज़ देखो जो छोटा होगा उसको मैं पहले लिखना पसंद करूंगा, है ना, तो जो छोटा था उसको मैंने पहले लिखा, जो बड़ा है मतलब 0.1001 और 1, 2, 3, 4 ऐसा, ओके कोई दिक्कत है। अब बहुत आसान है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर पहले देखते हैं रखना है, बहुत आसान है, कैसे करते थे इसको देखो, ठीक जो भी आना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए 20, किससे छोटा होना चाहिए a से, लेकिन होना कैसा चाहिए रैशनल, मतलब कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिव, कैसा होना चाहिए टर्मिनेटिव, ऐसे होना 0.1002 सो 1002 नहीं चलो टर्मिनेटिव नो, यहां पे क्या लिखा है इससे छोटा नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा कर देते हो 0.102 सर ये नहीं बोलना सर, हाँ 002 बोलना सर, जो मान लीजिए डबल सी तब भी गलत हो जाएगा, नो से भी बड़ा हो जाएगा, हाँ तो कैसे लोगे आप, देखिए सिंपल तरीका ये है, बहुत सिंपल है, c इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने 0.1010, यहाँ पे क्या है 0, क्या ले लेंगे 1, खत्म बस। अब अगर कोई पूछता है ये जो c है वो b से बड़ा है क्या, हाँ पक्का बड़ा है, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद 1 1 फिर 0 0, लेकिन यहाँ 0 यहाँ 1, उससे इसलिए छोटा है क्योंकि बाद में वहां पे और भी डिजिट्स आ रही 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तो एक मेरे को मिल, और नेचर इसका कैसा है सर रेशनल, तो मेरे को एक तो मिल गया, क्या सी किससे बड़ा है बी से और इससे छोटा है ए से, और सी का नेचर कैसा है रैशनल, अब इरैशनल नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो लेट अस से वो, अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है इरैशनल नंबर लाना है, तो देखो कैसे लाएंगे, वो बी से क्या होना चाहिए ग्रेटर
तो सपोज कोई डी मैंने चूज किया इस तरीके से, देखो 0.0 और 0, तो ऐसे ही रखा पॉइंट के थ्री प्लेस तक, ऐसे ही रखा फोर्थ प्लेस पे यहाँ क्या आ रहा है 1, तो मैं क्या रख दूंगा 2 रखा। अब देखो और किससे छोटा होना चाहिए ए से, ठीक है, तो 2 के बाद यहाँ पे देखो इसके फर्स्ट प्लेस पे क्या है 1, यहाँ क्या है 1, फिर यहाँ क्या आ रहा है 0 1, फिर यहाँ क्या आ रहा है 0 0, छोटा ऐसे ही हो गया सर। और इसके बाद आप कुछ भी रख दो 2, हाँ कुछ भी आप रैंडमली कोई भी डिजिट चूज कर लो। सपोज हम ऐसा करते हैं 2000 1 1 2 3 4 1 and so on, तो ये क्या हो गया, नेचर कैसा हो गया इसका, इरेशनल इरेशनल। और किसके किसके बीच में आता है बी सर सी और सर किससे ग्रेटर है बी से, लेकिन लेस किससे है